नमस्कार और स्वागत है दोस्तों आपका वर्चस्व इंफोप्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताने वाले हैं जैसे घर में ब्रिज में शटरिंग लगाते हैं तो उसका डिशटरिंग का टाइमिंग क्या है, वो कब उसे हमें डिशटरिंग करना है, कब उसे खोलना है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। आज मैं बताने वाला हूँ कि स्टेजिंग एंड शटरिंग रिमूवल टाइम टू स्लैब बीम कॉलम और वॉल, ये सब का डिशटरिंग कैसे करते हैं। ये हमारा जो कोड है 456, ठीक है, उसके अनुसार मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क है, ये मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्रिकिंग फॉर्म वर्क है, इसे कब खोलना है ये मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहला जो हमारा ए है, वर्टिकल फॉर्म वर्क टू कॉलम वॉल एंड बीम, तो जो भी वर्टिकल फॉर्म वर्क होगा, जो भी वर्टिकल हमारी सेटिंग लगेगी कॉलम की, वॉल की और बीम की, तो जो भी वर्टिकल फॉर्म वर्क होगा कॉलम वॉल और बीम का, जो कॉलम होता है हमारा सीधा उसके कॉलम का, चाहे साइड के वाल का, अपना जो बीम है, जो बीम हमारा इस तरह से जाती है बिल्डिंग में, वो बीम का 16 to 24 आवर्स हमारा डिशटरिंग कर के, जो भी हम कंक्रीट करते हैं कॉलम वाल और बीम का, उसको 16 घंटे से 24 घंटे के बीच में हम उसे डिशटरिंग कर सकते हैं। इसका एक और पॉइंट है, मैं इधर साइड में बता देता हूँ, कंक्रीट का जो भी टेम्परेचर होता है, कंक्रीट वो मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो ये टाइमिंग क्या होगा, बढ़ जाएगी, होना ही नहीं चाहिए, ये 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए। और दूसरा इसका है, ये हमारा ओपीसी होना चाहिए, ओपीसी सीमेंट होना चाहिए। अगर ओपीसी सीमेंट है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर दूसरा होगा ये पीपीसी होगा कुछ भी होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और तीसरा क्या हमारा है, जो इनिशियल है सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम है ये मिनिमम 30 मिनट में कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और चौथा हमारा है फाइनल सेटिंग टाइम, ये 10 आवर्स है। तो जो भी हम 30 मिनट के अंदर अगर कंक्रीट करते हैं तो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम यानी 10 घंटे बाद वो हमारा कंक्रीट क्या होगा कि वो आराम से सेट हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो फॉर्म वर्क में कॉलम वॉल और बीम में 16 से 24 घंटे के बाद हम डिशटरिंग कर सकते हैं। बी हमारा है 100 फिट फॉर्म वर्क टू स्लैब, जैसे ये हमारा, ये तो बीम हो गया, ये तो जो हमारा स्लैब है, ये इसके नीचे का जो बॉटम जो हम शटरिंग लगाते हैं उसको भी बोलते हैं 100 फिट फॉर्म वर्क टू स्लैब। ये हम आपको जो है बिल्डिंग में, ये आफ्टर 3 डेज के बाद इसको डिशटरिंग हम आराम से कर सकते हैं। फॉर्म वर्क टू स्लैब का जो हम 3 डेज के बाद डिशटरिंग करेंगे, तो इसमें अगर आपको जल्दी है खोलने का तो आप 3 डेज में खोल सकते हैं, लेकिन 3 डेज खोलने के बाद आपको उसमें क्या होगा, स्लैब में प्रोबजेक लगाना पड़ेगा, और उसको भी मैं बताता हूँ प्रोबजेक कब हटाना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन के बाद अगर आप खोलते हैं तो आपको प्रोबजेक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो कॉलम में जो हमारा कॉलम होता है
उसमें तो कोई लोड नहीं है, लेकिन जो भी हमारा स्लैब है इसमें तो क्या होता है, पूरा लोड आता है। तो इसको क्या हुआ कि आपको इसमें प्रोब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तभी इसमें स्ट्रेंथ आएगा। सी हमारा है सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम, ये हम 7 डेज में जो भी हमारा बीम का है वो सटरिंग, हम 7 डेज में इसको डिसटरिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें क्या है कि प्रोब्जेक्ट इसमें भी आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, बिना प्रोब्जेक्ट करेंगे तो आपको कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगा, स्ट्रेंथ 0 हो जाएगा, तो ये टूट सकता है, क्रैक हो सकता है, तो आपको इसमें प्रोब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। डी हमारा है प्रॉप्स टू स्लैब, स्पिनिंग अप टू और प्रॉप्स लगवाया स्लैब में तो स्पिनिंग अप टू, इसका क्या 4.5 मीटर अगर होता है इसकी हाइट, तो हम इसको 7 डेज में हम इसको डिसटरिंग कर सकते हैं। और दूसरा हमारा है अगर ये 4.5 मीटर से ओवर होता है, ज़्यादा होता है, तो आपको इसको डिसटरिंग करना है 14 डेज में। और हमारा ई है टू बीम एंड आर्च, आर्च है स्पेलिंग है हमारा अप टू 6 मीटर, और दूसरा हमारा स्पेलिंग ओवर 6 मीटर, तो ये 14 डेज है। और हमारा ये 28 डेज है। तो जो भी हमारा प्रॉप्स का बीम या आर्च है, अगर वो 6 मीटर से कम है या 6 मीटर है, तो हमारा उसका डिसटरिंग हम करेंगे, उसको हटाएंगे 14 डेज में, 14 डेज में। अगर हमारा 6 मीटर से ओवर होता है बीम या आर्च की लेंथ, तो हम इसमें ज़्यादा होता है, तो वो हमें 21 डेज में उसको हमें डिसटरिंग करना होता है। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो डिसटरिंग करने में, तो आप ये टाइम ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है जो भी सटरिंग करना है उसको आप मिनिमम जो भी है, जो भी सटरिंग का टाइमिंग है, वो आफ्टर 7 डेज के बाद ही करें, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है 21 दिन होता है। लेकिन अगर ओपीसी के अलावा आप पीपीसी या कोई और सीमेंट यूज़ करते हो तो आपको कम से कम 21 डेज चाहिए डिसटरिंग के लिए, 21 दिन आपको कम से कम रखना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़े रीज़न है, एक स्ट्रेंथ आएगा क्योंकि आपको इसमें कंटिन्यू इसमें क्यूरिंग करना पड़ेगा। अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको इसमें क्या है प्रॉपर एक क्यूरिंग भी करनी पड़ेगी, तभी एक अपना जो भी स्ट्रेंथ आएगा कंक्रीट का, तभी आ पाएगा जब आप प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।